नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे आशा करता हूँ। आज अपन कुछ लाइनों की ड्राइंग से सिंपल तरीके से कैसे ड्राइंग बना सकते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज की ड्राइंग क्लास। सबसे पहले अपन आज पतंग की ड्राइंग बनाएंगे। पतंग की ड्राइंग के लिए अपन को चार लाइनों की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें सबसे पहले अपन एक आड़ी तिरछी लाइन खींचेंगे, उसके बाद में उसी के साथ एक और यहाँ से दाई और लाइन खींचेंगे, फिर इस ऊपर वाले पॉइंट से नीचे की ओर लाइन खींचेंगे, फिर इन दोनों लाइनों को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में नीचे एक ट्राइंगल के रूप में अपन चंदा बनाएंगे। इतना होने के बाद में अपन इसमें एक सीधी लाइन बीचों बीच देंगे। इसको देने के बाद में अपन इसमें थोड़ा सा राउंड की एक लाइन और लेंगे। अगर अपन को पतंग और ज़्यादा सुंदर बनानी है तो इसमें कुछ लाइनों का इफेक्ट अपन और दे सकते हैं। तो जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पर एक थोड़ा सा लाइन का पार्ट दे दिया, एक यहाँ पर दे दिया, एक यहाँ पर दे दिया, ऐसे करके ये देखो पतंग और ज़्यादा सुंदर दिखने लग गई। अब अपन इसमें दो छोटे छोटे डॉट दे करके इसमें धागा जो बंधा हुआ होता है उसको कन्वर्ट कर देंगे और ये अपनी पतंग की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। देखिए किस तरीके से अपन ने आसानी से कुछ ही लाइनों में पतंग की ड्राइंग सीखी है। अगला अपन आज स्टेप लेंगे गमले का। गमले में भी इसी तरह चार पांच लाइनों से अपन ड्राइंग बना सकते हैं। शुरू करते हैं दूसरी ड्राइंग गमले की। गमले की ड्राइंग के लिए एक सीधी लाइन पहले लेंगे, इसके बाद में फिर एक सीधी लाइन लेंगे, फिर इसके बाद में इन दो लाइनों के कुछ गैप के अनुसार एक छोटी लाइन लेंगे। छोटी लाइन लेने के बाद में अपन इसको यहाँ से जोड़ेंगे, इसको यहाँ से जोड़ेंगे, इसको जोड़ने के बाद में इस लाइन को यहाँ से जोड़ेंगे, इस लाइन को यहाँ से जोड़ेंगे। इस तरीके से अपना गमले की ड्राइंग तैयार हो गई है। गमले की ड्राइंग तैयार होने के बाद में अपन इसमें कुछ फूल और बना देंगे। पहले इसमें डालियां बनाएंगे, डालियों के बाद में अपन छोटे छोटे फूल बना देंगे। ये छोटे छोटे इसमें पत्तियां बन गई। तो इस तरीके से अपन गमले को सिंपल लाइनों में सीख सकते हैं। अगर अपन को गमले में थोड़ा और सुंदरता देनी है तो यहाँ पर अपन दो लाइनें और दे सकते हैं जिससे गमले की सुंदरता और बढ़ जाएगी। गमले के बाद में अपन लेंगे गिलास की ड्राइंग। गिलास की ड्राइंग में भी क्या होगा, दो खड़ी लाइनें होगी, दो ऊपर से सीधी लाइनें होंगी, उसके बाद नीचे वाली लाइन होगी। जैसे अपन ने गमला बनाया है ठीक वैसे ही गिलास भी बनेगी। देखते हैं गिलास की ड्राइंग। अगर अपन को गिलास कांच की बनानी है तो इसमें अपन ये इफेक्ट कुछ और दे देंगे।
जिससे ये गिलास कांच के दिखने लग जाएगी। कांच के गिलास के बाद में अपन लेंगे लोटे की ड्राइंग। देखो मैं अभी आपको सीधी सिंपल लाइन से बनने वाले ही कुछ एलिमेंट्स बता रहा। जैसे लोटे की ड्राइंग लेंगे तो लोटे के लिए भी अपन ये दो सीधी लाइनें लेंगे, फिर दो लाइनें तिरछी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ये लोटे की ड्राइंग तैयार हो। सिर्फ दो लाइनें ऊपर का ध्यान रखना है, फिर एक एक मोड़ के हिसाब से अपन को इसमें लेना है। अब अपन लेते हैं कप की ड्राइंग। ये हो गई अपनी कप की ड्राइंग। जैसे इसमें अपन धुआं दिखा देते हैं तो लगेगा कैसे इसके अंदर कुछ गर्म पदार्थ है, जैसे चाय है, कॉफी है, इस तरह की कुछ ड्राइंग दिखने लग जाएगी। कप के बाद अपन लेंगे घड़े की ड्राइंग। घड़ा कैसे बनता है सीधी लाइनों से। के लिए अपन इस कॉर्नर में लेंगे और यहाँ से ऐसे लेंगे, फिर इसको भी ऐसे लेंगे, एक लाइन इधर लेंगे, एक लाइन इधर लेंगे। ये हो गई है अपने घड़े की ड्राइंग। अगर इसमें अपन को थोड़ा कुछ और क्रिएटिविटी करना है तो ये डिजाइनिंग अपन डाल सकते हैं। देखिए एक घड़े की ड्राइंग तैयार हो गई। इस तरह हम ड्राइंग लेंगे लाइनों की। आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और निरंतर ड्राइंग का अभ्यास करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।